ग्रीटिंग्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे फाइनल अकाउंट्स के प्रैक्टिस का। तो इसके बाद आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि किस किस स्टेप से हमने क्वेश्चन करना है, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो और क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले हमें रीड करना है। एसएम लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 30 लाख डिवाइडेड इंटू 3 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। तो कैपिटल बता दी, ऑथोराइज कैपिटल है, तो बाकी सारी इश्यूड सब्सक्राइब कॉल्ड पेड होगी। यहां जब हम ट्रायल बैलेंस स्टडी कर रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंसेस में सेल्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर्स मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई, आपकी करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल हो गए, रिजर्व एंड सरप्लस है, डेप्रिसिएशन है, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको दे रखा है, ओके, सरप्लस भी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, कमीशन है, इक्विटी कैपिटल है एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेस है। तो यहां अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस भी है, उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स बिल्स पेबल है, अदर करंट लाइबिलिटीज और साथ में शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो होगा ही, वो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड से समझ में आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का मतलब है कि ये हमारा कैपिटल के अगेंस्ट कॉल्स हैं, तो आपके पास कैपिटल कहां लिखी हुई है, ये रही, ठीक है, तो ये कैपिटल में से माइनस होगा, पेड अप कैपिटल हमारी हो जाएगी 18 लाख की। परचेजेस एडवांस टैक्स पेड, तो एडवांस टैक्स पेड किससे कनेक्टेड होता है हमारा, एडवांस टैक्स पेड कनेक्टेड होता है जितना हमने टैक्स के लिए पे करना है उससे रिलेटेड होता है, तो ये कनेक्टेड ट्रांजेक्शन होती है। सैलरी दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, रेंट है, प्रीपेड रेंट हो गया, प्रीपेड रेंट आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है तो चेक कर लो, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट बनना चाहिए 1,20,000, बट हमने सिर्फ 1 लाख पे किया है, इसका मतलब 20,000 इसमें आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। प्लांट फर्नीचर आपकी टेंजिबल एसेट्स हो गई, डेटर हो गए, तो डेटर्स का आपके पास प्रोविजन भी है, तो याद रखो डेटर्स को कनेक्ट कर लो, ये कनेक्शन से क्या है कि हमारे कैलकुलेशंस इजी हो जाती है, याद रह जाती हैं चीजें। डिस्काउंट ऑन शेयर्स, तो आपके पास अदर करंट एसेट्स भी आ गई, स्टॉक है, बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स भी आपके प्रोविजन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, रिलेटेड चीजों को कनेक्ट करते जाओ। बैंक बैलेंस बिल्डिंग, बिल्डिंग भी टेंजिबल है। रेंट आउटस्टैंडिंग 20,000, तो रेंट में आपका 20,000 आउटस्टैंडिंग हो गया, एड करेंगे। प्लांट इनक्लोड्स प्लांट ऑफ 2,50,000 परचेस्ड ऑन 1st October। अब ये आपने कुछ प्लांट बीच में परचेज किया मिड ऑफ द ईयर में अक्टूबर में, और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 20% पर एनम, तो पर एनम का मतलब अब हमें पीरियड का ध्यान रखना है, तो इस वाले प्लांट पर आपका हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा और बाकी पे पूरा लगेगा। फर्नीचर का 10% डेप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर पे हो गया, अच्छा प्लांट पे 20% है और फर्नीचर पे 10% है, प्लांट पर 20% है, फर्नीचर पर 10% है, और ये आपकी ट्रांजेक्शन है, ओके। फर्नीचर पर 10% किस बेसिस पे है, WDV, WDV का मतलब होता है कि जो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है ये भी फिर यहाँ पे आपके एडजस्ट होंगे, ये याद रखो, ठीक है, ये कनेक्शंस याद रखने हैं। कंपनी प्रपोज डिविडेंड ऑन पेड अप कैपिटल, अब प्रपोज डिविडेंड जो है वो तो हमें एंड में नोट में देना होता है, हाँ, लेकिन जो पिछले साल का आपने पे किया है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, तो ये डिविडेंड की एंट्री कैसे होगी, हमारा डिविडेंड सरप्लस में से माइनस होता है, तो माइनस डिविडेंड कितना आपने दिया पिछले साल का, पे कर दिया 10%, अच्छा इसका रेट है 10%, आपने 10% ही डिविडेंड पे कर दिया लास्ट ईयर के लिए, ठीक है, तो डिविडेंड 10% हम ले लेंगे, ये आई थिंक मैंने नोट नहीं किया था। प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स 30%, तो इस बार का 30% टैक्स का प्रोविजन बनेगा। क्लोजिंग स्टॉक CGT का रेट है 20.36, वो साथ में याद रखेंगे, ये सर्कल कर देती हूँ, ये याद रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक है 20, तो जहां हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है वहीं पर हम लिख देते हैं, हमें क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है 20 लाख का, ठीक है। उसके बाद है एडवांस टैक्स इंक्लूड्स 12 लाख फॉर द ईयर 2015-16, एडवांस टैक्स कहा था, तो इसमें से 12 लाख पुराना है और बाकी का न्यू है, करंट ईयर का है, और लाइबिलिटी सेटल हुई है 11,80,000 की, इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी सेटल हुई है 11,80,000 और पेमेंट हम कर चुके हैं 12 लाख की, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमने मार्क कर ली है, और वैसे हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्या होगा, याद होना शुरू हो जाएगा। तो अब हमें कंपोनेंट वाइज बैलेंस शीट बनानी है, तो हमने क्या देखा था कि लाइबिलिटीज में हमारे पास शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस है, बोरोइंग्स भी है और
तीन कंपोनेंट्स आपके पास करंट लायबिलिटी के थे, तो मैंने नंबर 1, 2, 3 इसमें डाल दिए। एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स थी, इनटेंजिबल नहीं थी, तो ये फॉर्मेट आपको लिखना है, ये रेडी नहीं रख सकते हो, ये क्वेश्चन के बेसिस पे होगा। जैसे इनटेंजिबल अब नहीं लिखा, या यहां पर आपने इस बार डेफर टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, या इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओके। करंट एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये आ गई। अब यहां पर क्या था, आपके पास इंटेंजिबल नहीं थे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। जैसे नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स एक कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट होता है इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, थर्ड कंपोनेंट होता है डेफर टैक्स लाइबिलिटीज, फिर होता है अदर नॉन करंट एसेट्स। जैसे अगर कोई आपके डेटर्स है विच आर पेबल आफ्टर 1 ईयर, है वो करंट लेकिन वो 1 साल के बाद पे करने हैं, तो फिर वो हमारे नॉन करेंट में आ जाते हैं, अदर नॉन करेंट एसेट्स में, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई लोन वगैरह है आपका, मान लो ये लोन है आपका लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स है से 10 लाख के, लेकिन अब ये नेक्स्ट ईयर में रिडीम होने वाले हैं, तो फिर वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं होती, फिर वो हमारी अदर करेंट लाइबिलिटीज में आती है। ये याद रखो, कोई भी चीज लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैसी होती है, हमें देखना होता है कि ये पेबल कितने टाइम में है। अगर तो वो विद इन अ ईयर पेबल है तो फिर उसे करंट की कैटेगरी में रखते हैं, और अगर ये पेबल है आफ्टर 1 ईयर तो फिर वो नॉन करंट में आ जाते हैं। पर क्योंकि इनकी कैटेगरी अपनी कैटेगरी से हटके है, तो इसलिए ये हो जाएंगे हमारे अदर नॉन करंट एसेट्स। जैसे यहां पर हम क्रेडिटर्स लिखते हैं ट्रेड पेबल में, क्योंकि क्रेडिटर्स यूजुअली आपके ट्रेड साइकिल का पार्ट होता है और विद इन अ ईयर पे कर देते हैं, तो वो क्रेडिटर यहां आता है। बट किसी पर्सन से आपने मान लो डील की और उसको आपने एग्री करा लिया कि आप उसको पेमेंट 1 साल बाद करोगे, इसमें आप कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, मतलब आपके पास फुल कंट्रोल है कि आप 1 साल बाद पेमेंट करोगे, तो अब वो आपका ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी का पार्ट नहीं रहा, फिर वो हमारा यहां नॉन करंट लाइबिलिटीज में, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, अदर लाइबिलिटीज में आता। सिमिलरली कोई चीज इसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है, जैसे डिबेंचर है, बैंक लोन है, आपने लोन लिया 5 साल के लिए, तो 4 साल तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग रहेगी, लेकिन 5th ईयर में क्या है, वो पेबल हो जाएगा विद इन अ ईयर। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग अब विद इन अ ईयर पेबल है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं रह सकती, फिर उसको करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे, कहां पर, अदर करंट लाइबिलिटीज में। ये सब चीजें मैंने डिटेल में आपको बताई थी जब मैं आपको कंपोनेंट्स समझा रही थी, कैटेगरीज समझा रही थी। आज फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दिए, बट आपको वहां पर जो इसकी थियोरी है उसको अच्छे से स्ट्रांगली करना है। अब ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया, लाइकवाइज मैंने फॉर्मेट बना दिया है इनकम स्टेटमेंट का भी, ठीक है। तो ये इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट तो मोर और लेस सेम ही रहते हैं, सो लेट अस स्टार्ट विद द वर्किंग। अब यहां नंबरिंग मैंने नहीं दी है, नंबरिंग 13, 14 ये टोटल हो जाएगा, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है ना, तो ये आपके आ गए 20 तक। इसके अलावा क्या है आपके पास, यहां आपने प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट किया तो इसको 21 नोट में दिखा सकते हो, इवन ये कैलकुलेशन भी दिखा सकते हो, कोई हार्म नहीं है, जितने नोट्स बनाओगे अच्छा है। अब नोट्स टू फाइनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, नंबर 1 क्या हो गया, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में हमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन के ऊपर बता रखा था ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी थी, 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। तो अगर आपके इक्विटी प्रेफरेंस दोनों दे रखे हैं तो दोनों बारी बारी से देखोगे। इसके अलावा कैपिटल में जितना भी आपके चेंजेस आए हैं वो यहां रिकनसाइल करने होते हैं, तो कोई कैपिटल इश्यू हुई है वो यहां पर ऐड करके दिखाएंगे, कुछ शेयर्स आपने बायबैक करके कैंसिल किए हैं वो रिडक्शन करके दिखाओगे, सब चीजें नोट्स में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आपकी आ गई इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल कितनी है आपकी, कैपिटल आपने यहां पर देखी है 20 लाख, इसका मतलब आपने 2 लाख शेयर्स इश्यू किए होंगे 10 रुपीज वाले, ठीक है। बट आपके पास इसके साथ क्या था, कैपिटल में मैंने मार्क कर दिया था कॉल्स इन एरियर्स थी, ठीक है, सो कॉल्स इन एरियर। अब हमें ये नहीं पता कितने शेयर्स पर है, बट हमें अमाउंट पता है, ठीक है, तो ये आपके हो गए 18 लाख की कैपिटल। तो फाइनली हमारी कैपिटल कितनी आई, 18 लाख की। नेक्स्ट कंपोनेंट है रिजर्व एंड सरप्लस। तो अब रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास क्या क्या है, आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है जिसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इसके बाद आपके पास था जनरल रिजर्व, बैलेंस है 5,80,000। अब इसमें कोई चेंज किया, कुछ ट्रांसफर किया है क्या आपने, नहीं, ठीक है, तो ये भी एज इट इज ही आ जाएगा, इस क्वेश्चन में कुछ ट्रांसफर नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास है सरप्लस का बैलेंस, अच्छा
अब कितना है आपके पास सरप्लस? 1,20,000। ओके, अब इसमें आपको करेंट ईयर का प्रॉफिट भी ऐड करना होगा, जो आएगा आप करेंट ईयर का प्रॉफिट ले लोगे, लेस करोगे आप डिविडेंड पेड एंड लेस सीडीटी, कितना कितना आएगा? अब ये देखो, आपके दो तरह के डिविडेंड है, एक तो प्रपोज किया है, तो प्रपोजल तो हमें नोट में लिखना है, ये तो नोट में जाएगा, यहां नहीं आएगा। एक आपने डिविडेंड लास्ट ईयर का पे कर दिया, तो जो लास्ट ईयर का डिविडेंड पे किया तो वो डिविडेंड में से भी कम हो जाएगा और आपके पैसे में से भी डिविडेंड और उसका सीडीटी कटेगा। पेमेंट कर चुके हो, एंट्री नहीं की थी, ठीक है, तो आप इसको पे भी कर दो, एंट्री भी कर दो, तो 10% डिविडेंड, क्योंकि आपकी पेड अप कैपिटल 18 लाख है, तो 10% उसका हो गया 1,80,000। और सीडीटी कितना हो जाएगा? एट द रेट ऑफ 20.36, डिविडेंड का 20.36 आपका सीडीटी हो जाएगा, सो 36,648। तो अभी चेक करते हैं कितना हमारे पास आया, ये टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। जब तक करंट ईयर प्रॉफिट नहीं डालोगे ये टोटल नहीं हो सकता, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे पास क्या है? 12% डिबेंचर्स, तो ये हो गए आपके 10 लाख के, इसमें कुछ भी और नहीं है, तो एज इट इज ले लो। फिर आपके पास करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल में हमारे पास क्या था? क्रेडिटर्स थे 7 लाख के, तो बिल्स पेबल थे क्या हमारे पास? यहां पर हम चेक कर सकते हैं, नहीं, तो हमारा अमाउंट कितना आ गया? 7 लाख एज इट इज, ठीक है। अब आ गई अदर करंट लाइबिलिटीज, तो अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग वगैरह आते हैं, तो आपके पास यहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट है 20,000, ये तो आपने क्वेश्चन से नोट किया है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में हमने देखा था, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी है 20,000, क्योंकि जिसमें भी रेट दे रखा होता है उसमें हम खुद से कैलकुलेशन कर लेते हैं, वेट नहीं करते कि नोट्स में कुछ बताया जाएगा, नोट्स में नहीं भी बताया तो भी हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ गए शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स में तो हमारा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है कितना? 40% ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, तो वो जो भी सॉल्व करके आएगा लिख देंगे, छोड़ दो अभी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, तो अब आपके पास टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या एसेट्स थी? आपके पास था प्लांट, ठीक है, प्लांट है आपका कितने का? 25 लाख का। इसमें आपका प्रोविजन ऑलरेडी है कितना? पिछले सालों का आपका कलेक्टेड प्रोविजन है 5 लाख, इसका मतलब इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हो गई? 20 लाख लेस करेंट ईयर डेप्रिसिएशन। अब करेंट ईयर डेप्रिसिएशन कैसे सॉल्व होगा? ये 20 लाख की आपकी एसेट बचती है, प्रोविजन इसमें डेप्रिसिएशन कैसे लेना है? 10% ऑन प्लांट, सॉरी प्लांट का है 20%। अब इस 20 लाख में से 2,50,000 का प्लांट तो आपने इसी ईयर में खरीदा था, तो 2,50,000 पे आपको 20% 6 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन लेना होगा, और बाकी का प्लांट कितना बचा? 17,50,000, उस पे आप 20% पूरा डेप्रिसिएशन लेंगे, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका? 3,75,000, तो वैल्यू बच गई आपके पास 16,25,000, ठीक है ना। ये हो गया 25,000 इन ऑल सारा कट के, और ये 3,50,000, सो ये आ गया। दूसरा आपके पास कौन सी एसेट थी? कंप्यूटर नहीं था, सॉरी, आपके पास क्या था? फर्नीचर, फर्नीचर है 13 लाख लेस प्रोविजन, प्रोविजन आपका उस पे था 3 लाख का, तो वैल्यू बची रिटर्न डाउन वैल्यू 10 लाख लेस डेप्रिसिएशन ऑफ करेंट ईयर कितना हो गया आपका? फर्नीचर पर 10% है, सो 1 लाख, तो फर्नीचर की वैल्यू बची 9 लाख। इसके अलावा आपके पास है बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग भी है 10 लाख की, तो जो जो चीजें हैं उनको लिखते जाओ। अब जो जो चीजें आप एक एक बार ले रहे हो उनको मार्क करते जाओ, ताकि बाद में आप ध्यान रख सको, ठीक है। तो हो गया टोटल कितना आपका? 35,25,000, ठीक है, ये लिख दिया, यहां पे इसको एज इट इज लिख दो। नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्रीज, तो अब इन्वेंट्रीज में तो आपके पास एक ही इन्फॉर्मेशन है स्टॉक की, कितनी? 20 लाख, सो इन्वेंट्री 20 लाख एज इट इज।
नेक्स्ट है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट यहां पर हम नोट स्टार्ट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स तो क्या एडजस्टमेंट थी, ट्रेड रिसीवेबल्स में हमारे पास डेटर्स होते हैं, डेटर्स हैं 10 लाख के, और साथ में हमें क्या कहा गया है प्रोविजन 5% बनाना है, तो ये मैंने यहां पे लिखा नहीं है इसलिए मैं भूल सकती थी, 5% प्रोविजन। सो लेस 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, पूरा लिखेंगे देखो, ठीक है 9,50,000, तो आ गए आपके पास 9,50,000। अब नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो इसमें आपके पास क्या है, बैंक बैलेंस है 4,50,000 का, लेकिन आपने डिविडेंड पे किया था, ये मैंने यहाँ पे बैंक बैलेंस में लिखा है ना लेस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे किया है हमने, तो अब डिविडेंड इसमें से माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका 1,80,000 का डिविडेंड, और सीजीटी भी आपको पे करना पड़ा तो कैलकुलेशन तो आप पहले कर चुके हो, है ना, ये पिछले आपने जब नोट्स बनाए थे यहां पर कैलकुलेशन कर ली थी, यहीं से कैलकुलेशन ले लो, तो बैंक बैलेंस बच गया हमारे पास 2,33,352। इनफैक्ट नोट बनाने के लिए भी हम दो कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो 2,33,352। उसके बाद है आपके शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में कितना होगा आपके पास, देखो आपने एडवांस कितना दे रखा था, एडवांस टैक्स था इसमें से 12 लाख तो पिछले साल का है, तो इस साल का इनकम टैक्स पेड इन एडवांस करेंट ईयर का कितना हो गया 24,50,000 में से 12 लाख पिछला था, तो हमारे पास बच गया 12,50,000, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, और इसके अलावा आपने कुछ एडवांस में दे रखा था, प्रीपेड रेंट आपके पास था, प्रीपेड रेंट भी दे रखा है, तो ये सीधे यहीं पे आएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज आपके पास एडवांस में है, हाँ तो आपके पास क्या था, ये टैक्स का जो हमने एडजस्टमेंट की थी इसे ध्यान से समझो, ये 12 लाख है आपका प्रोविजन, उसकी लाइबिलिटी 11,80,000 थी, जब लाइबिलिटी को पेमेंट से मिलाते हैं तो आपने कितना पे कर रखा है, एडवांस में 12 लाख पे कर चुके हो, आप यहां पर ऐसे समझो आपकी टैक्स लाइबिलिटी सेटल हुई है 11,80,000 की, और आपका टैक्स पेड इन एडवांस है 12 लाख, तो आप ज्यादा पे कर चुके हो तो आपका रिफंड ड्यू बनता है 20,000 का, सो टैक्स रिफंड, ठीक है। तो 12 लाख माइनस 11,80,000, ये जो मैंने आपको पहले समझाया था एडजस्टमेंट्स को अलग से, तो वहां ध्यान से समझोगे आपको टैक्स की एडजस्टमेंट में क्या करना होता है, लास्ट ईयर के अमाउंट्स अलग कर लेने हैं, करंट ईयर के अमाउंट्स अलग कर लेने हैं, तो लास्ट ईयर की पेमेंट हो चुकी है 12 लाख की, बट लास्ट ईयर की लाइबिलिटी कम बनती है, तो रिफंड का मामला है, रिफंड लिख दोगे। सो हमारे पास क्या आ गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज आ गए 12,90,000। अब बचा अदर करेंट एसेट्स, तो अदर करेंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है, लेट अस सी, डिस्काउंट ऑन शेयर्स है 10,000, तो ये अगर हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है समझ के, पैनिक नहीं करना एग्जाम में, तो हमें सब याद रहेगा, ठीक है। अब इसका टोटल हमारा साथ के साथ हो जाता है, ठीक है। सो 80,08,352 यहां बच जाता है, क्योंकि यहां पे कुछ चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती है बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट्स। ओके अब आ जाते हैं यहां पर, सो 13th हो गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, तो कितनी दे रखी है हमें सेल्स, चेक करते हैं, ठीक है, सेल्स हमें दे रखी है 156,20,000, कोई रिटर्न नहीं है तो कुछ नहीं, एज इट इज आ जाएगा। अदर इनकम में हमारे पास कुछ और इनकम है क्या, कमीशन रिसीव हुई है 1 लाख की, देखो ये कमीशन इनकम में है रिसीव, इसे मैनेजर की कमीशन से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। सो हो गया 1 लाख, सो 157,20,000 हो गई टोटल इनकम। अब है कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड, जिसमें आता है परचेजेस लेस ऑफ रिटर्न्स एडिंग एक्सपेंसेस, तो परचेजेस हो गई 87,70,000, रिटर्न्स दे रखे हैं कोई हमें,
हमें रिटर्न्स यहां पर नहीं दे रखे हैं, ठीक है, तो यही आ जाएगा। उसके बाद है चेंज इन इन्वेंट्रीज, मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था, लेट अस सी कितना है, 4,50,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 20 लाख का, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा 15,50,000। तो ये माइनस में लिखोगे, ठीक है ना। अब स्टाफ बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो स्टाफ के एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस जितने दे रखे हैं, जिसमें उनकी सैलरी, वेजेस, इसके अलावा उनका प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन सब कुछ आएगा। तो सैलरी है 20 लाख, कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं था, सेलिंग एक्सपेंसेस इसमें नहीं आते हैं ना, रेंट भी नहीं आता है इसमें, ओके। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अलग हो गया, अच्छा। और स्टाफ का कोई और एक्सपेंडिचर अगर हमें दे रखा हो, वेजेस वगैरह नहीं है, ओके। अब फाइनेंस कॉस्ट पे आ जाओ, तो फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमें दे रखा है 1 लाख और एक्रूड इंटरेस्ट हमें दे रखा है 20,000 का, सो टोटल हो गया 1,20,000, लिख दो, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन में हमने अभी सॉल्व किया था, यहां देखो फिक्स्ड एसेट्स की तरफ आ जाओ, तो आपने डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट निकाला था 3,75,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर सॉल्व किया था आपने 1 लाख, है ना, सो 4,75,000। अब ये भी कर सकते थे, देखो ये कैलकुलेशन आप रफ में करो और यहां पर आप लिखोगे टोटल 25 लाख और प्रोविजन का टोटल हो जाएगा 8,75,000, 13 लाख और प्रोविजन का टोटल हो जाएगा 4 लाख। ये हमारी प्रेजेंटेशन है, हम जैसे भी करें। सो 4,75,000 आ गया हमारे पास डेप्रिसिएशन। अब आएंगे अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या है, जो एक्सपेंसेस बच गए उन सबको लिखना है। अब यहां पे लिखते जाओ, सेलिंग एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट हो तो लिख दो, नहीं तो एज इट इज। रेंट, तो रेंट में 1 लाख प्लस 20,000 आउटस्टैंडिंग था, 1,20,000। पूरा डिटेल लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं समझाने के लिए, ताकि फटाफट आपका काम हो, ओके। रेंट हो गया, उसके बाद आपके पास है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वो तो फाइनेंस कॉस्ट में आ गया। डिस्काउंट ऑन शेयर्स तो आपका बैलेंस शीट में जाता है। बैड डेट्स, ओके। अब बैड डेट्स का क्या है, बैड डेट्स में आपके करंट ईयर के बैड डेट्स हैं 50,000, उसके अगेंस्ट प्रोविजन था 30,000 का। इसका मतलब 50 में से प्रोविजन काट के भी आपको अभी 20,000 का और नुकसान बचता है, तो ये एक्सपेंडिचर में आएगा। और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना आपको लेना है, आपको अगर कहा है तो, डेटर्स हैं आपके पास, हाँ, इसका 5% आपको लेना है, सो 50,000 आपने 23,90,000, ठीक है, ये लिख लोगे 23,90,000। अब टोटल कर दो सबका, तो आ गया आपके पास 122,05,000। तो आपकी ये हो गई रेवेन्यू, ये हो गई एक्सपेंसेस, तो आपके पास कितना बच गया, 3,51,500 नेट प्रॉफिट। करंट ईयर का आपको टैक्स प्रोविजन लेना है 30% पे, सो इसका 30% ले लो, सो 1,05,450, ये हो गया, ओके, 1,05,400, ये है 35,15,000 है, तो ये हो जाएगा 10,54,500। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट में क्या था, आपका टैक्स एडजस्टमेंट कितनी थी, ये ध्यान से समझो। आपने टैक्स प्रोवाइड कर रखा था, मतलब प्रोविजन बना रखा था टैक्स का, कहां पर गए, 12 लाख, बट आपकी लाइबिलिटी सेटल हुई 1,180 पे, इसका मतलब 20,000 का प्रोविजन बच गया, तो आपके इतने से एक्सपेंसेस कम हो गए। तो इस बार जो आप प्रोविजन बना रहे हो, पिछला वापिस आ गया, तो 20,000 आपके एक्सपेंसिस को कम करेगा, ठीक है, 10,34,500, सो 24,80,000। अब यहां पर 24,80,000 और नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने थे, देखो 2 लाख शेयर इश्यू किए हुए थे, सो 12.40। ये कंप्लीट हो गई स्टेटमेंट, अब इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे जो जो चीजें रहती हैं वो भर दो। सो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना है, 30% आपका,
10,54,500, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोविजन आ जाएगा यहां पर बैलेंस शीट में 10,54,500। तो ये भी कंप्लीट हो गया। यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस में देखो तो करेंट ईयर का प्रॉफिट आपका कितना आया था, 24,80,000, ठीक है। ये डाल दो, अब इसका टोटल करो तो आपके पास क्या क्या आ गया, 1,20,000 प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस ये दोनों चीजें, तो आ गया 23,83,852। सो 34,13,852, सो 34,13,852, सो 52,13,852। अब ये टोटल्स कर लो, ₹80,08,352। सो इस तरह से हमने ये टोटल कर लिया और ये हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक है डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, उसमें हमें नॉर्मली जो है एक थियरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है या फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेपरेटली करने को आएगा। सो ऐसा नहीं होगा कि आपको इसे फुल क्वेश्चन के बीच में आएगा, वो अलग से आएगा, तो उसको अलग से आप उसके प्रोविजंस को समझ सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक चीज बच गई, जो डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज किया था, तो क्योंकि आपके डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज किया हुआ है तो वो इन नोट्स के एंड में, मतलब ये 20 हो गए ना, तो इसके एंड में 21st नोट आपका आ जाएगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड अदर प्रोविजंस, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर करेंट ईयर। अब क्योंकि ये अभी पेबल नहीं है तो इस पर सीडीटी भी नहीं लिखेंगे, आपका करेंट ईयर का 10% डिविडेंड है, सो 1,80,000 का डिविडेंड प्रपोज्ड अलग से आएगा, इसे अकाउंट नहीं करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।